बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर मोहम्मद शबीर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से मैं यहाँ पे आज बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कारगिल कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का, जिसमें हमने लोकल फ्लोरा को यहाँ पे शोकास्ट किया है बोथ इन लैब एज वेल एज़ इन हर्बेरियम स्पेसिमेंस। तो सर आज हमने काफ़ी एक्सट्रीम एरिया से ये कलेक्शन करके जो है ये सारे स्पेसिमेंट बनाए हैं सर। तो इनमें से कुछ स्पेसिमेंट हमने ये जनशियाना ट्रांसजेनिक का ये लंकर से ब्लॉक से हमने कलेक्शन किया है सर, ये ब्रिस्टोटा एफेनिस ये बटम्बिस एरिया से हमने कलेक्शन किया है, एकोनिटम वायलेशियम सर ये बुना नाको है हमारा, ये हमने सभी एरिया से कलेक्शन किया है सर 42 मीटर पे, और ये एस्ट्रागलस मिनोरिया ये हमने तकरीबन 3800 मीटर से फोकर फू से कलेक्शन किया है सर। और इसी तरह सर ये हमारे डेल्फिनियम ब्रूनियम सर ये भी हमने उम्बला लबर से हमने कलेक्शन किया है सर 4300 मीटर से, ये भी तकरीबन सितंबर में लास्ट ईयर हमने कलेक्शन किया था सर। तो सारा ये सारा हमारा लास्ट ईयर का काम है सर। लास्ट ईयर में हमने तकरीबन 300 स्पीशीज़ कलेक्शन किया सर पूरा ओनली सुर वैली से। हमारा सर बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर का एक 5 ईयर का रोड मैप है सर, 5 ईयर का रोड मैप में हम को पूरा जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पूरा फ्लोरा को यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे एक हर्बेरियम बनाना है और पूरा इस फ्लोरा को पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है सर। तो हमारा फर्स्ट फेज में हमने सुर वैली से स्टार्ट किया था सर, और ये सारा सुर वैली की डेटा है सर। तो इस टाइम हम लोग बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सर यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी करगिल के कॉन्टेक्स्ट में भी, लेह के कॉन्टेक्स्ट में भी। बॉटनिकली ये बहुत पुअरली एक्सप्लोर्ड है सर, अभी एक्सप्लोर करना काफ़ी बाकी है। हमने तकरीबन लास्ट ईयर 30 टूर्स लगाए सर एक्सट्रीम एरियाज ऑफ सुर वैली में। जब भी हम लोग गए मतलब एक दो न्यू रिपोर्ट हमारे साथ आ रहा था सर। तो इसका मतलब ये है कि सर बॉटनिकली लद्दाख को इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है सर, तो हमें इसको एक्सप्लोर करके डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत है सर। और बेनिफिट्स बहुत सारे मिल सकते हैं सर, हम कमर्शियल वे में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारा सीबकथन है, डेक्टोलोरिजा ये सॉरी डेकोसिफाइलम हिटरोफाइलम, ये सिर्फ ये खरदुंगला और वरीला इन जगहों पे मिलता है सर, ये डायरेक्टली एरोमेटिक इंडस्ट्री में जो है ये यूज़ होता है सर। और अभी जो है यहाँ पे जो हमारा CSIR एरोमा मिशन में हमारा लद्दाख से ये प्लांट रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ये हर जगह कल्टिवेट करके ये डायरेक्टली उसमें जा रहा है, एरोमेटिक इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है सर। रोज़ा एरोमेटिक इंडस्ट्री सर, जिसमें हमें हमारे परफ्यूम्स, हमारा जो चॉकलेट्स, जो हमारे मिठाई उसमें जो हमारा जो उनमें जो है हमारा जो वो आता है एरोमा आता है वो इसी से आता है सर। मोस्टली परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है सर, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स में इसका ज़्यादा रोल है सर, बहुत 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 पोटेंशियल है सर। और सीबकथन तो आप लोगों को पता है, इसका ऑलरेडी DRDO ने काफ़ी इस पर काम किया और इस पर जूस काफ़ी मतलब निकाला है। और ये फेवेसी वाला मेंबर हमारे पास काफ़ी है सर यहाँ पे लद्दाख में, फेवेसी एस्ट्रेसी रोनिन क्लेसी, इनका ज़्यादा हमारे पास इन लोकल फ्लोरा में हमारा ये डोमिनेंट फैमिलीज है सर जो लद्दाख में ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ पे। और बाकी आयरिस ये हमारा क्रिस्मा जो लोकल नेम है इनका सर। और ये एक इंटरेस्टिंग स्पीशीज एक कालथा है सर, ये कालथा जो है हमने रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने वहाँ से पनीखर से लेके आया सर, कालथा अल्बा इसका नाम है सर, पनीखर से कलेक्शन किया है। इस यूज़ तो नहीं है सर, इसका मैं अभी बताऊँगा क्या इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली एक टेम्परेट एरिया का प्लांट है सर, इसका जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सर 1500 मीटर के आसपास या 2000 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, लेकिन अभी लद्दाख में ये रिसेंटली हमने रिपोर्ट किया है तो लद्दाख में क्लाइमेट चेंज एक इंडिकेशन दिखा रहा है सर। मीन्स ये हमारा अभी लद्दाख जो है क्लाइमेटिकली इस प्लांट के लिए सूटेबल फेवरेबल इन्वायरमेंट क्लाइमेट हो गया है, तो इस पे हम अभी एक रिपोर्ट ये नहीं होता था अभी ये निकल रहा है, तो दैट मीन्स कि ये क्लाइमेट इंडिकेशन दिखा रहा है कि हमारा जो है अल्पाइन एरिया भी यहाँ पे टेम्परेट बन रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी इस पे हम एक डिटेल रिपोर्ट बना रहे हैं सर, वो भी जल्दी पब्लिक डोमेन में पब्लिश होकर आ जाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच। और बाकी तो स्पेसिमेंस काफ़ी हमने मैसेज ये देना चाहते हैं सर, अभी स्टूडेंट्स के लिए टैक्सोनॉमी बॉटनी और डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है सर। अभी हमारे लद्दाख में आप लोग इस फील्ड में आएंगे तो बहुत वर्कर कम है सर, गुड वर्कर यानी पोटेंशियल वर्कर हमारे पास बहुत कम है। अगर अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे या मतलब पढ़ेंगे इसमें रिसर्च करेंगे तो लद्दाख के प्लांट्स पे स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है सर। हमारा सिर्फ फ्लोरा ही हम कंपाइल करेंगे तो इतना मतलब बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सर लद्दाख की बॉटनी के लिए। थैंक यू वेरी मच। मकामी, कौमी और बैनुल अक्वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।